हेलो लर्नर्स, दिस इज योर प्रेजेंटर अफी। सभी विद्यार्थियों का शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है इस सिक्स सेकेंड चैनल में, सिक्स सेकेंड प्लेटफॉर्म में, जो आप जैसे अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे विद्यार्थी के लिए और नेट की परीक्षाओं के जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके और संस्कृत के विद्यार्थी उनके लिए तैयारी की गई है। तो देखते हैं आज का विषय क्या है। आज का विषय है संस्कृत नेट कंप्लीट नोट्स संस्कृत सिलेबस पार्ट टू नाट्यशास्त्र। जो जो विद्यार्थी पहली बार हमसे जुड़े हैं, हम ये बता देना चाहते हैं कि इस चैनल में हम नेट की जो परीक्षा होती है उसमें संस्कृत की हम अध्ययन करते हैं, कराते हैं। इसमें एक बहुत सारी वीडियो हमने डाली हुई है। इसमें हम नाट्यशास्त्र की द्वितीय अध्याय का हम इस बार अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक पार्ट वन बन चुका है। हमें रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि नेट की जो परीक्षा की जितने भी वीडियो हमने डाली है तो एक कंटिन्यू सीरीज़ में देखें, ताकि एक रेलिवेंस बनी रहे, ताकि समझ में आए, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रिपरेशन कर सकते हैं जो विद्यार्थी नेट की परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का भी एक नया वीडियो हम लेके आए हैं, तो देखते हैं आज का वीडियो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा चैनल का जो मोटो है, चैनल का जो ध्येय वाक्य है, वह शाह विद्या या विमुक्त है। इसका मीनिंग है यही है कि विद्या वही है जो हमें अज्ञान से मुक्ति दिलाए, और हम भी वही काम कर रहे हैं। हम भी थोड़े बहुत हमारा योगदान दे रहे हैं जितना भी हो सके। हम भी अज्ञान से ज्ञान को अज्ञान को दूर करने के लिए थोड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, तभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो देखते हैं आज के हमारा कार्यक्रम, मतलब वीडियो, ऐसे ही बोल दिया। यहाँ पे लिखा है संस्कृत नेट कंप्लीट नोट्स संस्कृत सिलेबस पार्ट 8। संस्कृत के सिलेबस में 10 पार्ट होते हैं, 10 यूनिट। 10 यूनिट में से एक यूनिट है 8, उसमें एक नाट्यशास्त्र का बुलेट पॉइंट है। उसका नाट्यशास्त्र का द्वितीय अध्याय हमें पढ़ना होता है नेट के सिलेबस में। उसका एक इंट्रोडक्शन हमने बना दिया है, पहला वीडियो, वो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं अपने घर में रिविजन करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आज का द्वितीय अध्याय हम देखते हैं क्या क्या है नाट्यशास्त्र में। कुछ क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो ऐसा होते हैं कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, वो हम सबको पता है, भरत मुनि। उसके बाद नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय है वो भी हमको पता है, 36 षट्त्रिंशत अध्याय, षट्त्रिंशत अध्याय सन्ति नाट्यशास्त्र। तत्पश्चात क्या है पहला बुलेट पॉइंट है नाट्यशास्त्र में द्वितीय अध्याय में प्रेक्षागृह का विषय है। प्रेक्षागृह नाट्य मंडप कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार है, कितने कितना माप है, कितना दीर्घ है, वो सब इसके विषय में आलोचना की है। तो इसका इस सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे प्रेक्षागृह यानी नाट्यगृह, उसका श्रेणीवेश या आकार, उसके रचना शैली के अनुसार कितने प्रकार के है, वह तीन प्रकार। एक है विकृष्ट, विकृष्ट का मतलब है आयताकार, और चतुरस्र उसका मीनिंग है वर्गाकार, और त्रयस्र वो है त्रिभुजाकार। नाट्यशास्त्र में तीन प्रकार के नाट्यगृह आकार के अनुसार विभाजित किया है, वो है विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्र, आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुज। उसके बाद मंडप के अनुसार कितने भाग किए गए, फिर तीन भाग किए गए हैं, वो है ज्येष्ठ, मध्यम और अवरोह। उसके बाद नेक्स्ट ज्येष्ठ में कितना हाथ होता है, वो 108 हस्त होता है। उसके बाद मध्यम में 64 हस्त हाथ है, 64 हस्त, और अवरोह कनिष्ठ में 32 हस्त को माप करते हैं। वहाँ पे इन तीनों का मंडप के माप ना प्रेक्षागृह नाट्यशास्त्र के नाट्यशास्त्र में नाट्यगृह का जो आकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद देवता का नाट्यगृह ज्येष्ठ नाट्यगृह होता है, उसके बाद राजा का नाट्यगृह मध्यम होता है, और शेष सामान्य नजर सामान्य दर्शक होते हैं, सामान्य जन होते हैं, सामान्य इंसान होते हैं, उनका नाट्यगृह सबसे छोटा कनिष्ठ होता है। उसके बाद सबसे श्रेष्ठ नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने मध्यम प्रेक्षागृह को प्रशस्त माना है। उसके बाद माप की जो माप होता है, गणना करने की नात कितना बड़ा होता है, कितना छोटा है, आकार नापने की, उसका एक लिस्ट दिया गया था नाट्यशास्त्र में, वो हमको मिला था। वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। आठ अनु मिलके एक रज होता है, आठ रज मिलके एक बाल होता है। उसके बाद आठ अष्ट बाल एक लिक्षा होता है, उसके बाद अष्टलिक्षा एक यव होता है, उसके बाद एक यव एक अंगुल होता है, उसके बाद 24 अंगुल मिलकर एक हस्त होता है, और 60 हस्त मिलकर एक दंड होता है।
कभी कभी आज भी दंडमाप का यूज करते हैं और हस्तमाप का यूज करते हैं कई कई जगह पर भारत में। सो इसका उल्लेख हमको नाट्यशास्त्र में मिलता है। सार हस्त मिलके एक दंड होते हैं। उसके बाद मट्ट का जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मट्ट का जो मंडप होता है उसका दीर्घता 64 हस्त होता है और विस्तार 32 हस्त होता है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिविजन करना पड़ता है। कभी भी आ सकते हैं नेट की परीक्षा में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। उसके बाद फिर से मध्यम नाट्य मंडप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है बार बार नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में। उसके पहले भी एक पॉइंट लिखा गया था शायद, यहाँ पे मध्यम प्रेक्षागृह प्रशस्त, और यहाँ पे क्या है मध्यम नाट्य मंडप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सो बार बार इसको इसका उल्लेख मिलता है। कौन सा नृत्य का श्रेष्ठ है, वो है मध्यम प्रकार के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नाट्य मंडप की भूमि कैसी होनी चाहिए, वो है समा समा का समान होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कठिन होना चाहिए। नहीं तो मुलायम होगा तो वहाँ पे नाट्य मंडप नहीं बना सकता, टूट टूट सकता है। उसके बाद कृष्ण और गौरी, उसका वर्ण काला या गौरी रंग का होना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और स्थिर होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। और समान मतलब आरा तेरा नहीं होना चाहिए, उसकी भूमि बिखरा हुआ, ताकि एक प्लेटफॉर्म बना सके। उसके बाद यहाँ पे एक शुक्लंग सूत्रंग भवेत, एक सूता एक धागा टाइप होता है जहाँ पे नाप लेते हैं, उसका धागा यहाँ पे शुक्लंग सफेद धागा होता है, उसको सूत्र कहते हैं। वो शुक्ल सूत्र कैसी होने से और कौन सी चीजों से बनानी चाहिए, उसका एक एक उल्लेख किया मिला था नाट्य शास्त्र में। वो है सर्वपेशले कर्पासम। कर्पासम माने कपास जो होती है, कपास, वो कपास से बनी होनी चाहिए। उसके बाद बालबजम नाम की एक खास होती है उसका, या और नहीं तो मौंजम या बालकलम, इन दोनों खास से बनी होनी चाहिए वो सूत्र। उसके बाद सूत्र की उल्लेख फिर से मिलते हैं। सूत्र अगर अर्ध छिन्न, सूत्र अगर आधे में छिन्न हो जाए तो क्या होता है, स्वामिनः मरणम। स्वामिनः मरणम यानी राष्ट्र के जो स्वामी होते हैं, राष्ट्रपति या जो भी सबसे ऊपर अधिपति होते हैं राष्ट्र के, उनका मरण निश्चित होता है, ऐसा कहता है नाट्य शास्त्र मंडप में। अगर सूत्र का आधे आधे में अगर छिन्न हो जाए, आधे में टूट जाए तो। उसके बाद सूत्र अगर 3 भागों में टूट जाए तो राष्ट्र में कूप होता है, राष्ट्र में विप्लव होता है, ऐसा ऐसा नाट्य शास्त्र में कहा गया था। उसके बाद सूत्र में अगर 4 भागों में अगर टूट जाए, 4 भागों में छिन्न हो जाए तो क्या होता है, प्रयुक्त जो नाट्य शास्त्र में नाट्य में जो अभिनेता अभिनय करता है उनका नाश होता है, ऐसा कहा गया था। जो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, कभी कभी आ सकता है इस क्वेश्चन संस्कृत के नेट की परीक्षा में। हमको फिर से ये याद रखना पड़ेगा कि हम सिर्फ नेट की परीक्षा के पर्सपेक्टिव दृष्टि से हम ये पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन आता है उतना ही हमको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट बलि बलि देने की प्रथा होती है नाट्य शास्त्र में। पूजा पूजा के बाद जो प्रस्ताव प्रस्ताव होती है उसमें बलि देने की प्रथा है। बलि गंधा पुष्प और फल देने की प्रथा है। उसमें पूर्व दिशा में श्वेत अन्नोक्त मतलब सफेद सफेद वर्ण की अन्नोक्त होना चाहिए पूर्व दिशा में। पश्चिम दिशा में पीता वर्णोक्त गंधा पुष्प या फल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट उत्तर दिशा में रक्त वर्ण का गंधा पुष्प या फल होना चाहिए, ऐसा जरूरी है। उसके बाद दक्षिण दिशा में नील अन्न नील वर्ण के अन्न से युक्त होना चाहिए, ऐसा बलि देना चाहिए, ऐसा कहा गया था। उसके बाद मंडप स्थापन शिलान्यास। मंडप स्थापन के समय में ब्राह्मण को घृत पायसम देना चाहिए। उसके बाद राजा को मधुपुर का देना चाहिए, और जो कार्यकर्ता होते हैं उनको गुरु धर्म से गुड़ मिश्रित तो जो अन्न होते हैं, गुड़ मिश्रित तो जो चावल या भात कहते हैं उसे वो देना चाहिए, ऐसा कहा गया। उसके बाद ब्राह्मण का स्तंभ स्तंभ जो स्तंभ बनाते हैं जिसपे नाट्य प्रेक्षागृह स्थापन किया जाता है, उसी में ब्राह्मण का स्तंभ चंदन चंदन की लकड़ी से बनना चाहिए, चंदन के पेड़ या लकड़ी से। उसके बाद क्षत्रिय का खदीर के पेड़ से या खदीर की लकड़ी। उसके बाद वैश्य के धब्बों से और शूद्र के सर्वधर्म कोई भी वृक्ष हो, कोई भी लकड़ी हो, उनसे बन सकते हैं स्तंभ, ऐसा उल्लेख किया गया था नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट ब्राह्मण स्तंभ में जो लेपन होता है, जो आवरण होता है, जो वस्त्र होता है, उनका उनका वर्ण सर्वश्लोक होना चाहिए। और जो स्तंभ के उत्थान के समय ब्राह्मणों को पायस पायस या खीर देनी चाहिए। उसके बाद क्षत्रिय का जो स्तंभ होता है वो उसका कपड़ा, उसका वस्त्र और लेपन उसका सर्व रक्त वर्ण होना चाहिए, मतलब लाल लाल रंग का। उसके बाद उस समय ब्राह्मण को गुड़ मिश्रित अन्न देना चाहिए। उसके बाद वश्य का है, वश्य का जो
स्तंभ है उसमें आवरण या लेपन सर्वप्रीतम या पीला पीला रंग का होना चाहिए, और उस समय ब्राह्मण को घृत मिश्रित तो भात देना चाहिए या अन्न देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अंतिम में शूद्र का जो होता है, शूद्र का स्तंभ उसमें सर्व नील प्राय रंग का होता है और ब्राह्मण को कृषरम यानी खिचड़ी देना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट के ब्राह्मण स्तंभ के मूल में अगर कुछ कुछ रत्न देने का विधान भी लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र में, सो देखते हैं क्या क्या है। ब्राह्मण के स्तंभ के मूल में कनक, कनक यानी स्वर्ण मतलब कान के आभरण के समान स्वर्ण डालना चाहिए मूल में, ब्राह्मण स्तंभ के मूल में। क्षत्रिय के स्तंभ के मूल में ताम्र यानी ताम्ब रत्न को डालना चाहिए। उसके बाद वैश्य को रजतम यानी रूप जो होता है सिल्वर उसको उस धातु को डालना चाहिए, और शूद्रों में आधे यानी लोहा जो लोहा होता है लोखंड वो डालना चाहिए, और शेष स्तंभ जो बचता है उसमें भी कई कई स्वर्ण देना यानी सोना देने का प्रस्ताव या नियम है यहाँ पे नाट्य शास्त्र में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्तंभ उत्थापन समय, स्तंभ का जो उत्थापन करते हैं उसके स्तंभ कैसा होना चाहिए उसमें लिखा गया है अशलम अकंप्यम और अवलितम। अगर स्तंभ चलता रहा मतलब हिलता डुलता रहा तो उस राज्य में अभिष्ट होता है। उसके बाद अगर बलन यानी मुड़ जाना मतलब बैंड हो जाना, अगर बैंड होता है स्तंभ उत्थापन के समय तो मृत्यु भय होता है। राष्ट्र के जो राजा होता है या जो अभिनेता होता है उनके और जो पूजा पाठ करते हैं जो स्तंभ उत्थापन करते हैं उनका मृत्यु भय होता है। और अगर कांपता रहा कंपन हुआ अगर हिलता कांपता रहा अगर स्तंभ तो शत्रु से भय होता है, पर सक्रत भयम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है रंगशीर्ष कहाँ पे कहाँ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लिखा है कूर्मपिष्टंग मत्स्यपिष्टंग नाभवेत। कूर्मपिष्टंग यानी उभरा हुआ और नीचे दबा हुआ पृष्ठ में कभी भी रंगशीर्ष नहीं बनाना चाहिए। कहाँ पे बनाना चाहिए? शुद्ध आदर्श तल आकार मतलब एक दर्पण की तरह मतलब सिकना दर्पण जहाँ होता है वहाँ पे रंगशीर्ष बनाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। उसका रंगशीर्ष के ऊपर भी रत्न रखने की एक विधा लिखी हुई है। उसमें पूर्व दिशा में वज्र यानी हीरा रखते हैं, उसके बाद पश्चिम दिशा में स्फटिक रत्न रखते हैं, उसके बाद उत्तर में प्रवालम दक्षिण में बज्र नाम की कोई धातु है वो हमको पता नहीं कैसा धातु है कैसा रत्न है उसको रखते हैं, और मध्य में कनक यानी फिर से स्वर्ण रखने की विधा लिखी हुई है नाट्य शास्त्र में। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाट्य मंडप निर्माण कैसा शैल गुहाकार मतलब पर्वत की कंदर यानी पर्वत की गुहा की तरह हो और यहाँ पे मंद बताया ना उपेत मतलब मंद हवा चलती रहे ऐसा खिड़की बनाना चाहिए। निर्वात बात सुनना मतलब वायु रहित एक स्थान पे और धीरे शब्द बन कम शब्द वाले मतलब इको ना हो ऐसे शब्द वाले दी भूमि में नाट्य मंडप बनाना चाहिए, ऐसा नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है। उसके बाद चतुरस्र नाट्य मंडप वर्गाकार का होता है और चारों दिशाओं से 32 हाथ का 68 हस्त माप का होता है। उसके बाद रंगपित कैसा होता है उसमें अस्तम होता है, चतुरस्र वर्गाकार होता है, समतल होता है और बेदिका समालंकृतम होता है, बेदिका से अलंकृत होता है। उसके बाद रंगशीर्ष दो प्रकार के होते हैं, वो एक है उन्नत एक और एक है सम। उसके बाद विकृष्ट मंडप उन्नत होता है और विकृष्ट यानी जो आयताकार मंडप होता है वो उन्नत होता है और चतुरस्र मंडप वो समाकार होता है, मतलब चारों तरफ से 32 हस्त लिखा हुआ है यहाँ पे 32 हाथ का माप एक होता है वो चारों तरफ से समान होते हैं चतुरस्र। त्रस्र नाट्य त्रिकोणाकार होता है इसलिए त्रस्र लिखा है, अष्टम यानी कोण। उसके बाद नाट्यशास्त्र का द्वितीय अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, नाट्यशास्त्र का द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? वो है मंडप विधान। यही रहा आज का वीडियो, यहाँ पे पूरा एक पूरा कंपाइलेशन बना दिया है नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय का, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा गारंटी हम देते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी नेट के विद्यार्थी हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी संस्कृत के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर प्रतियोगितामूलक परीक्षा में अगर ये सिलेबस में द्वितीय अध्याय है तो इस पीडीएफ से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम गारंटी देते हैं। सो इसलिए इस पीडीएफ को भी हम डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे ताकि विद्यार्थी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
सो इतना ही था। नेक्स्ट लास्ट पेज में हम हमेशा एक सूक्ति डालते हैं। आज का सूक्ति देख लेते क्या है। आज का सूक्ति है बहुत ही प्यारा सा सूक्ति है। सैनिक जो कि हम उनको गुरु मानते हैं, उनका एक प्रैक्टिकल फिर से एक सूक्ति है। आत्मना प्रतिकूलानि परिसंग न समासरे। इसका मीनिंग होता है अपने जो अपने अब स्वयं का जो बुरा बदस्वभाव या बुरा ज्ञान बुरा गुण होता है वो दूसरों का ना दूसरों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि उस उनसे शत्रुओं को लाभ होता है। शत्रु उनको अपनी उपेक्षा के लिए अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। सो ये बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है। हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जो कि जो भी देख रहे हैं, कोई भी दर्शक ये देख रहे हैं, इसको जरूर इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में। आत्मनः प्रतिकूलानि परिसंगना समासरे। अपनी बुराई दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, शत्रु को लाभ होता है। सो ये था प्रैक्टिकल नॉलेज आज का। धन्यवाद आज का। और हम फिर से कहते हैं जो हम हमेशा अपनी वीडियो के अंत में हम कहते हैं, हम एक एजुकेशन रेवोल्यूशन में हम एक पार्ट है। जो इंडिया में अभी चल रहा है डिजिटल रेवोल्यूशन, उसका एक हम छोटा सा हिस्सा छोटा सा पार्ट है। अब हम अपना योगदान दे रहे हैं डिजिटल रेवोल्यूशन का। सो आप भी एक पार्ट बने, एक साथ हम ग्रो करेंगे। सो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कमेंट हो, सजेशन हो, कोई एडवाइस हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट करने में बहुत मज़ा आता है, कमेंट पढ़ने में हम रिप्लाई भी करते हैं। सो इतना ही था आज के लिए। सो छोटा सा वीडियो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, डाउनलोड करके पढ़े। सबका अच्छा हो, सबका भला हो। सो आज के लिए इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।